नहीं, मैं नहीं मानता हनी जी वगैरह है। उनकी पॉपुलैरिटी अलग है, अमित शाह की पॉपुलैरिटी अलग है। अमित शाह पॉपुलर नहीं है, एक बात समझ। योगी जी एक फेस है, अमित शाह फेस नहीं है। जी, अमित शाह जो है वो मोदी और अमित शाह, ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ये हमें समझना जरूरी है। देखिए 2019 के बाद, या आप माने 2014 के बाद ही अमित शाह संगठन पकड़ के बैठ गए, और जहां चेहरा दिखाना है तब लाके मोदी को खड़ा करते थे, या तो अकेले बिल्कुल हैंडल करते थे। बंगाल में उन्होंने इंडिविजुअली लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया, और मैंने उस पर एक वीडियो भी बना, हिंदी में डाला है, मैंने एक आर्टिकल उस पर 3 साल पहले लिखा था कि गांधी परिवार को मोदी शाह ने इसलिए हराया है कि वो गुजराती नहीं रहे। यह हमें समझना जरूरी है। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी का मतलब आप किसी प्रदेश के नहीं हो। देखो गांधी परिवार क्या है, वैसे तो नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन चुनकर यूपी से आए। इंदिरा जी चुनकर यूपी से आए, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, लेकिन इनको कोई हमारे यहाँ मराठी में, जैसे बिहार हो या यूपी नॉर्थ इंडिया, ये तो भैया है हम लोग बोलते, या नॉर्थ बिल्कुल इंडियन होगा वो हमको बोलेगा ये तो घाटी है, यानी मराठी जो है वो महाराष्ट्र किनारा छोड़कर ऊपर के, उनको घाट वाले यानी घाटी बोलते हैं, तो हमको घाटी बोला जाता। तो आप देखिए पवार को बोलेंगे मराठा है, नरसिंह राव को मद्रासी बोलेंगे, ज्योति बसु को बंगाली बाबू बोलेंगे, आपके शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू बोलेंगे, नीतीश बाबू बोलेंगे। आप गांधी परिवार को बोलते नहीं बोलते, क्योंकि गांधी परिवार किसी एक प्रांत से नहीं है, प्रदेश से नहीं है। तो मोदी ने 2014 के बाद खुद को उस ढाल लिया कि उनको अभी कोई गुजराती नहीं मानता, सही है। वो हार गए। गांधी परिवार अगर हार गया है तो वही हार गया, नहीं तो वो पवार, अरे पवार तो वो घाटी है, मराठी है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ज्योति बसु तो बंगाली बाबू है, मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है। इन्होंने अगर राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी को हराया है तो वो गुजराती नहीं रहे इसलिए हराया, बिल्कुल इस कॉम्पिटिशन में हराया। हमको मुगल चलते हैं, हमको ब्रिटिश चलते हैं, लेकिन मराठी नहीं चलेगा, तमिल ही नहीं चलेगा, हमको कोई नॉन इंडियन चलता है। तो मोदी जी, उस तरीके से नॉन इंडियन है, यानी किसी प्रांत विशेष से नहीं है। बिल्कुल सही। सोनिया इटली से हमको चलेगा, लेकिन देवेगौड़ा नहीं चलेगा, ये जो बात है। तो इसलिए हमें पॉपुलैरिटी का मतलब समझना जरूरी होता है कि पॉपुलैरिटी का मतलब एक प्रांत से जो नहीं है उसकी ऑल इंडिया ये होता है, पॉपुलैरिटी होती है। तो मोदी के बाद क्या बोलते हैं, अमित शाह भी निकल आए, लेकिन देखिए वाजपेयी और आडवाणी भी उस छाया से नहीं निकल पाए थे। सही, मोदी ने खुद को तो यूपी का बना लिया, वो तो है गुजराती, लेकिन बन गए यूपी के। पहले वाराणसी में खड़े हो गए, इस वक्त तो सिर्फ वाराणसी से खड़े हो गए। तो ये शरद पवार करके दिखाए, पॉपुलैरिटी का मतलब वो होता है। राहुल गांधी और रण से चुनकर आए, तो उधर कांग्रेस का इतना बड़ा प्रभाव है, वो महाराष्ट्र में खड़े रहकर चुनकर आए, दिखा दे। तो बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल एक, अभी देखिए मोदी बिहार में खड़े रहकर चुनकर आ सकते, हिमाचल से आ सकते। जैसे आपको मालूम है इंदिरा जी 77 के बाद जब चिकमंगलूर से चुनकर आई थी, फिर मेढक से चुनकर आई थी, याद है आपको। सोनिया गांधी बेलारी से चुनकर आई थी। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको पॉपुलैरिटी का मतलब समझना चाहिए। योगी अभी उस से निकले नहीं है, कुछ लोगों की ये फैंटेसी होती है। आपको याद है मोदी जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी नहीं बने थे, उनको कैंपेन चीफ बनाया गया था, उस वक्त यही राजदीप सरदेसाई
यही बरखा दत्त क्या बोलते थे याद है आपको? अरे तीन बार तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, उनको क्यों नहीं बनाते बोल रहे। तो शिवराज सिंह और मोदी में जो फर्क है वो ये बुद्धिजीवी उनको नहीं पता चलता कि शिवराज सिंह जो है उनका दायरा मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकलता। मोदी थे गुजरात में, लेकिन ये सब आलोचक जो थे, विश्लेषक जो थे, उनके खिलाफ जो थे, उन्होंने उनको इतना ऑल इंडिया बना दिया मोदी को कि मोदी के समर्थक बिहार बंगाल तक पहुंच गए। क्यों क्यों गाली दे? अरे एक आदमी है, मैं मुझे एक बंगाली उस समय मिले थे, बड़े बड़े कंपनी में जनरल मैनेजर थे, तो बोले एक आदमी हिम्मत से सच्ची बात बोल सकता है, वो तो बंगाल के थे और उस वक्त बंगाल में बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो मोदी के समर्थक क्यों हो गए? उनको मोदी का पता कैसे चला? ना संघ ने बताया, वो तो मीडिया ने बताया, लिबरल मीडिया ने बताया। तो पॉपुलैरिटी का मतलब हमें समझना जरूरी है कि जो अपने दायरा जो है अपना दायरा बढ़ाते जाता है। अब तो मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है मोदी। यस, मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, दुनिया भर के लिबरल से, ये तो इनको 21वीं सदी का सबसे टॉप का लीडर बना के छोड़े। अभी संदीप शर्मा का एक और मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि साहब ये क्या मिस्टेक थी कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपने आप को मार्स लीडर के रूप में पेश करने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए एक बात होती है, 200 बार बोलने का मतलब है, अगर ये बोलते कि हम मेजोरिटी पार करके वरम 50 तो समझो 50-60 सीटें आती। देखिए मैच जीतने के लिए जो उतरता है, कभी हमारी टीम विराट कोहली उतरता है और बोलता है कि हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे नहीं बोलते, जीतने के लिए उतरते है ना। तो जोश आए इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जोश में बोला जाता है। अब कांग्रेस की देखो एक भी सीट नहीं आई, लेकिन कांग्रेस कैसे बात कर रही थी, लेफ्टिस्ट और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। अरे दोनों की मिलकर एक तो सीट आई 292 में, है ना। 292 में दोनों की मिलकर एक सीट आई। तो बीजेपी 200 पार बोलती थी और 3 से अगर 77 तक आई, उसका मतलब समझना है। ये देखो हम समझा नहीं सकते, जिसको समझना नहीं है उसको तो हम नहीं समझा सकते, उसको बोलना बिल्कुल। अरे 77 का मतलब एक काम करो, उसमें से 7 निकाल दो तो 7 ही बचते, और वो 7 भी क्या है, उसका मतलब 3 थे, उसका मतलब 7 हो गए, ऐसा भी बोलो कोई बात नहीं। उसको डिमोरलाइज मत करो, उसको बोलो और जोर शोर से बोलो। दूसरे जो है भाऊ, एक लोग ये भी कहते हैं कि मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी? तो जब मोदी हैं भाई, तो अभी ये बहस शुरू करने का मतलब क्या है? नहीं, एक मोदी के बाद कौन, ये जो पूछा जाता है ना, वो नेहरू के बारे में भी पूछा जाता है। मेरा यह ख्याल है कि रफी अहमद किड़वई ने एक बार नेहरू को बोला था कि आप पूछते ना मेरे बाद कौन, तो उतर जाइए पता चलेगा कौन है। तो इनके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये बोलने में मजा नहीं होता। एक बात है कि मोदी के बाद कौन है, वो ठीक समय पर सामने आ जाता है। मोदी आ गए ना, मोदी आ गए, नहीं तो 2013-12 तक सोनिया के बाद कौन, ये तो पूछा जा रहा था। मनमोहन सिंह तो नाम के थे, तो उस समय अचानक मोदी तो सामने आ गए। बिल्कुल, मोदी तो सामने आ गए ना, तो मोदी के बाद कौन, वो जब समय आएगा तब पता चलेगा, आज से कोई नहीं होता। ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है कि इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, या सोनिया के बाद राहुल होगा, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद उसके बच्चे हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। इसीलिए तो कांग्रेस खत्म हो गई। जो होगा देखिए, इसमें एक बड़ी बात आपको बोल दूं, इब्न खालदून की, वो बोलता है कि अरब डायनास्टी जो होती है उसमें ये सबसे बड़ा है, इसलिए उसका वारिस नहीं बनता, जिसके बाजू में दम है वही होगा। सही, वही होगा। अब देखिए जो बिन सलमान है नया प्रिंस उसका, उसने तो अपने चाचा को हटाकर वो प्रिंस बन गया,
नहीं तो ट्रेडिशन ये थी कि जो मरता था उसकी जगह नेक्स्ट सीनियर आता था 40-50 साल से, वो अपना वारिस अपने ही किसी भाई को जो उम्र से सबसे ज्यादा है उसको रखता था। अच्छा जो था उसको हटाकर ये जो है अभी बादशाह उसका बेटा था वो बोला उसको हटाओ और मुझे वारिस बना दो, और बना के लिए इसके लिए उसने 3-4 प्रिंस जो दूसरे थे उनको जेल में डाला, 2 लोगों को तो हवाई जहाज गिराकर मरवा दिया, बाजुओं में ताकत है। तो बीजेपी मोदी के बाद जिसके बाजू में ताकत है वो आ जाएगा, अभी से तय करने की जरूरत नहीं है। मोदी में ताकत थी, मोदी से सीनियर बहुत सारे थे, सुषमा स्वराज या और कोई आडवाणी थे, बहुत सारे थे, अभी भी यशवंत सिन्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सीनियर है। तो उससे उसके बाद ये ऐसा बीजेपी में नहीं होगा ना इंडिया में होगा, जिसके बाजुओं में ताकत होगी वही मोदी के बाद सत्ता यानी सबसे बड़ा लीडर बनेगा।